क्रिकेट तैयारी था कसान जी देनो रोहन जी मैच था अशगम दे इमरान खान बजान तैयार को जेर खान लास पड़कोल दफा रहा गले दे मुंगलो वो उड़ी रहा उड़ी हर गले हो दे चिराट ना रहा गले का ना चिराट ना रहा गले बिलाल भाई से कही बिलाल भाई ना से हाँ बिलाल बिलाल भाई सर मैच पर बिया भी लिखा ना नहीं जी ना नहीं इंशाल्लाह ना भी नहीं घटी सही रहा कसान मसान जी देनो बस तैयारियां नहीं रहा नहीं थी सर द कैमरा गड़बड़ा ना कहीं ना दा तब तब वाले दा जब वीडियो जोड़ो मत तब स्पर नो बस मैंने जब दा क्रिकेट का शौक की ना मना है लो मैं बगैर तो इतनी मैच की नंबर ही जोड़े कड़े का ना पर वीडियो के दा मुंग रवान छु ग्राउंड था सेट डाउन ए ब्लॉक इमरान भाई रखो जोहत भाई ला गैप दे जोहत भाई को जमीन शाह करा रहा हूं ना पता नहीं दूसरी को हां फौद भाई फल गैजेट स्टोर ला गस्ती थी बस कैमरे में मेरे अगर मुंह खुद के कट नहीं होता उससे पता था हां मंग अदा मंड मंड हुई नंबर दी इमरान भाई विकेट्स को लगी दी दी विकेट को लगी दी दोनों तरफ दोनों साइड तरीके दा मिसम ने द चाप द चाप नुम छे दा ग्राउंड जोड़ शुए दे सैयद मीसम ते मेरे अकबर लेट दा दद्दे छे दे इफ्तिता शुवा चौधरी अब्दुल मजीद साहब दे इफ्तिता करे वा पर 20th अप्रैल माने इनॉग्रल मैच जम गशो नो दबमी च शेयू अवले ने मुंगो गठो दवेम चिकम ददी जीगी चिकम होस्ट हु अगो गठल दा फोटो शूट रवान दे जी जवाद रहमान पखपल लेजेंड के रोवर से ओ क्रिकेट क्रिकेट आडक कुतना पा दिखाया देख बंग गदा मंगा छे नोडे मुर्तजा खान मैच संग चलो शो मैच है और इंतजार ही नो कैंसिल शो करना इश्ती ना ना कैंसिल को ना अबैंडेंड अबैंडेंड जीर खान दा असल की मैच ना नो खुदी तो तर भाई मैं जरा आलम पेट्रोल में सो दू दा बोस्त द चिम से ल मुक्त या बेडम देने दे रहा ओड़े ना मुंग पास खमियाजा वदा उस मुंग चाना भाई जर रुपए मां कबाब लवर के 4000 रुपए पेट्रोल शो और नूर बम जमाल का तकलीफ दे रहा है कि कैमरे में मिली अगस्ते देखो 4000 रुपए का खर्च हो गया पेट्रोल का ना आराम करना कम जाने कबाब ना चलो ठीक कबाब ताकाल ना रखे
मतलब जरूर जमंगा मैच ऑलमोस्ट शुरू के दो वाले थे। ये हमारे साजिद भाई, ठीक है बिलाल भाई, और बिलाल प्रैक्टिस वगैरह रवान दे लो टॉस ने दे शे बाबा। ओ जीत गए माशाल्लाह जी, मुबारक हो। कौन जीता? हम जीते। हम जीते सर। बॉलिंग बैटिंग? जी बिल्कुल, हम बैटिंग करेंगे जी। ये कैप्टन है, फिर इंटरव्यू लें कि इन्होंने टॉस हार के क्या फैसला किया। देखिए टॉस हार के तो आपने करना है, टॉस हार के ये चाह रहे हैं मैं बैटिंग दीजिए। अगर शाह हमारी बात कौन करे, हम इनके पास में आज मेजबान हैं जी। हम गिलानी एसोसिएट को यहाँ पे वेलकम करते हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड जो मिसम क्रिकेट ग्राउंड है, आज हमारा फ्लड लाइट के अंदर पहला मैच हो रहा है और ये दोनों टीमें ही हमारी अपनी हैं। जैसे गिलानी एसोसिएट्स और तनवीर एसोसिएट्स में सच कोई फ़र्क नहीं है। तो आज हमने ये एक यहाँ पे टूर्नामेंट रखा है और हम ताइब भाई को, साजिद भाई को वेलकम करते हैं। तो इनशाला मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छी होगी अगर इन्होंने हमें जीतने दिया। मेरे से सबसे पहले शाह साहब को बहुत बहुत मुबारक हो मिसम क्रिकेट ग्राउंड की ओपनिंग पे। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप देख सकते हैं कि इतने बड़े ग्राउंड को मेंटेन करना और यहाँ पे कोरोना के की सिचुएशन के अंदर यहाँ फ्लड लाइट्स अरेंज करना और इस लेवल पे यहाँ पे इन्होंने जो यहाँ सेटअप किया है, तो इनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, इनकी टीम ऑब्वियसली हमारी टीम है, जस्ट फन के लिए हमने ये एक मतलब आज हमने एक सीरीज़ रखी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दोनों टीम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और हमारी वेल विशेज अपनी टीम के लिए भी हैं और इनकी टीम के लिए भी हैं। थैंक यू सर। जहीर कीपिंग तो शुदा खैर सर। साजिद भाई आप इधर ऊपर आ जाएं, आप इधर ऊपर आ जाएं, खालिद भाई आप इधर आ जाएं सर, सामने इधर ऊपर ही तो पता बैट ले रही का ना। आओ जी सर, आप सर फील्ड है, फील्ड में मैदान बैट कैसे लेने वाले साजिद भाई? नवरोज खान आउट हो गया भाई, आउट हो गया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स टा बोले स्लिप ये लग लून दे दरवाजा मुझे फैसल टाउन ची दे ग्राउंड दे जखन बॉलिंग ऊपर बॉलिंग जब खोड़ में बिलाल भाई खा कसान नशा तो और देगा मां बिलाल भाई बालू को बिलाल भाई अवली नहीं बाल हुए कैठा सर। अभी आप लोगों की इंशाल्लाह अभी हम प्ले करेंगे और इंशाल्लाह अभी विल विन सर। टारगेट कितने हैं? टारगेट कितना है जी? 65 का टारगेट है, 65 इंशाल्लाह अभी विल विन। मलिक साहब इंशाल्लाह इंशाल्लाह विक्ट्री गिलानी टीम की होगी इंशाल्लाह। पता भाई वो लगी शुक्र करो कर के दिए ना। ठीक है जी, अच्छा सारी किया प्रैक्टिस कंट्रोल में अल्हम्दुलिल्लाह सर जी इंशाल्लाह। सुकून से खेलें, बैठे 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 सपोर्ट तो पर देखो ना स्टेट टीम
जो अदा करें अंपायरिंग कई गिलानी स्टेट वाला अफसर अजमंगा पार्टनरशिप द ट्रेंड्स एसोसिएट्स और द तकरीबन सा सलूर ओवर के 50 रन दी वकड़ल और 64 टारगेट थे पर 7 ओवर के वाइट जबरदस्त 58 रन शो 65 टारगेट थे माखेल दो ओवर उसम बाती थी मतलब ये नहीं मार बल वाइट त्रे वाइट चार ओवर तीन बॉल खा वो सात ओवर मैच थे दो बस चार जो पाँच छः सात दादी ओवर के खत्म थे दो ओवर वो सुन पाती थी यार नहीं होता नहीं होता नहीं होता नहीं होता जा 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 देखो बल रन्स के दो दीवाना गस्त हुआ दमन सा ये सलर होनी सा जमंगा विनिंग टीम को 10 लाख रुपए जमंगा दसड़ा दा टोटल होनी सा बिल्कुल रिकॉर्ड था कंग्रेचुलेशन थे भाई थैंक यू वेरी मच सर बहुत अच्छा खेले आप सर थैंक यू वेरी मच फिलहाल भाई कंग्रेचुलेशन सर बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच जी अगले मैच की इंशाल्लाह थोड़ी देर में लाइव कवरेज दोबारा हम देंगे सजाद भाई के लिए सर एक्सीलेंट फील्डिंग बहुत ज्यादा ने कैच किया सर बहुत फील्डिंग बहुत कैच हो गया यार मैंने पहले कहा था फील्डिंग का फील्डिंग सजाद भाई सर सजाद भाई के लिए कीपिंग बहुत अच्छी यार की बड़ी ओ इसने भी एक कैच पकड़ा था नहीं नहीं बहुत दो सुरो रहा मैच होगा टेलीशो अरे आगे ना पछि दे रहा खुशहाली मनाएगी मुर्तजा खान तस्वीर भी स्टेज ही गाना सी गप लगे फोकस कई यो यो बासा आहा तक खै खै टाउनशिप लग जाई सर दा गिलानी एसोसिएट तनवीर एसोसिएट मैच ना हमें अपोजिशन से देल ती के वलर ले लगो खोला न शूट ले पति खुला वाला लास की दा पति खुला वाला लास की दा सर इस विक्ट्री के बारे में आपके तासुरात सर जी हमारे तासुरात ये हैं कि हमारी पूरी टीम की एफर्ट है जी सर सारे भाइयों ने जो है ना एक मेहनत की है जी सर तो पहले की तरह पहला मैच भी हमने ग्राउंड में जीते बिल्कुल जीते दोबारा भी जीता मैं सर विटनेस हूं मैं विटनेस हूं सर सर आपके तासुरात मेरे तासुरात ये हैं जी माशाल्लाह सारी टीम ने बहुत मेहनत की है और बहुत आला बैटिंग भी की है और बहुत आला बॉलिंग भी की है और फील्डिंग भी की है सजाद भाई बहुत आला स्पेशली सजाद भाई जो हैं उन्होंने बहुत ही आला फील्डिंग की है बिल्कुल नेक्स्ट मैच मतलब कम खिलाड़ियां छू और मैच तसिख करी तनुर से खाना खा लें। नहीं सर, खाना के बाद। फाइनल खेलें खत्म करते हैं ना। टाइम ज्यादा हो जाएगा फिर। चलो ठीक है। भल मैं चुम कई। द्वेमियो भी लो। मुबारक शाह।
लाल भाई ढीला आता है गेम स्टेटस से देर हो रहा 3 बॉल वहां से और फाइनल मैच थे सर 15 रह गया चौका के लिए चौका चौका ओ शॉट है सर आला आला शाबा इमरान भाई ये कौन से प्लॉट में गई है ये 40-80 के आपको बड़ा पता है आप बताएं कौन से प्लॉट में गए चले बताएं सर कौन सा 30-60 का प्लॉट 30-60 का पोजीशन वाले प्लॉट पोजीशन वाले प्लॉट बस जबरदस्त मैच विन फाइनल हो रहा जबरदस्त बस बेस्ट ऑफ 3 बंगाल का डियर फिर से परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा जीत गए मजा आ गया जबरदस्त जी हफ्ते मैच होना चाहिए बस सर जी जबरदस्त सर वरीज भाई खफा नहीं होने यार कमाल लाल भाई शानदार खफा ना हो सर जबरदस्त ये है सबसे बेहतरीन बॉलर सर जबरदस्त और ये जबरदस्त या चक्का लगाया करो या चौका लगाया करो क्यों बंदे को खराब करते हो सर मोबाइल ठूल लगा मुर्तजा मशरफी सिंगल चल रहे मुझे मेरी फेवरेट बॉल मिली थी लेकिन थोड़ी सी वाइड थी एज पे जाके लगी है अगर ये थोड़ा बैट प्लान होता ना तो ये छक्का होता बैट प्लान होता दो ओवर के बारे में आपका क्या ख्याल है मैंने ओवर दे कमाल खड़े थे और जो दूसरा ओवर था लड़ ले वो सारा मिस फील्ड था उसमें 15 रन ओ बिलाल भाई सर योर सर दस बेहतरीन बेहतरीन बैटिंग यो को सर बेहतरीन मैं ओकड़े करना सर जी तो सोला सर दस उच को में चक्की हुआ ले करना जबरदस्त सर मजा आ गया आगे सर सर 3 मैच हुए सर उसके बारे में आपकी राय बस बहुत ज़बरदस्त गेम हुई एक्चुअली आज ये फ्लड लाइट का पहले ही सीरीज थी मैं गिलानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ बिल्कुल सर इनकी टीम ने माशाल्लाह सारे शोबों में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई और हमने आउट क्लास किया और स्पेशली जो भाईजान की स्पिन बॉलिंग थी क्या बात है मैं कहता हूँ कमाल हो गया तो मैं इनको भी मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह के लिए हम सीरीज तो हार गए नहीं सर आपके लिए बहुत अच्छा जीत का सिलसिला तो चलता रहता है बिल्कुल ऐसे ही हम हार के भी जीत गए क्योंकि गिलानी साहब भी हमारे बड़ा मजा आया स्पेशली शाह जी ने जो मेहनत की हुई है ग्राउंड पे और वो देख के और जो इनकी टीम की माशाल्लाह लगन से ये खेलते हैं बड़ा मजा आता है आज जी तो ये नसीब की बात है तो अगेन थैंक यू वेरी मच जी सर ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे सर ग्राउंड के बारे में आउट क्लास विनिंग कैप्टन शाह साहब थैंक यू वेरी मच इतना शानदार किस्म का इवेंट शाह साहब ने हमारे लिए अरेंज किया थैंक यू वेरी मच अगेन एंड अगेन और इनकी टीम ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से खेला है अच्छे तरीके से खेला है और स्पेशली जो शाह साहब ने यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं इसको मैं कहूँगा फैंटास्टिक लेवल पर शाह साहब के लिए एक बार हार ही सही रहती है गर्म बैठे कोई नहीं है और हमारी टीम एक ही टीम है ठीक है हम भाई हैं आपस में ठीक है और ये हमारे लिए एजाज की बात है कि हम हमेशा से ये होता है कि जब भी ग्राउंड की ओपनिंग होती है हमेशा शाह साहब के साथ मिल के खेलते हैं और शाह साहब हमें इनवाइट करते हैं थैंक यू वेरी मच शाह साहब थैंक यू और क्लैपिंग्स शाह साहब थैंक यू वेरी मच जाया करो